देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। परेशानी हुई है आपको? हमको नाइट ब्लाइंडनेस है, रेटिना से। कितने साल पहले से? बचपन से ही। आपको नाइट ब्लाइंडनेस बचपन से? कितने साल की उम्र में मालूम पड़ा कि आपको रात को नहीं दिखता? जब से समझ में, समझो 4-5 स्कूल में गया तब से। आज आप कितने साल के हो? आज 21 साल का। तो 5 साल की उम्र से रात में दिखना कम हुआ, उसके बाद दिन में कब से कम हुआ? दिन में कम नहीं, दिन में यानी समझो अपन अंधेरा कमरा रहा वहाँ में नहीं दिखता। और समझो रात में अंधेरा रहा तो नहीं दिखता, लाइट रहा तो भी दिखता ही दिखता। सीढ़ी चढ़ने उतरने में थोड़ी घबराहट होती है, दिखता है लेकिन घबराहट होती है। रात में लाइट नहीं रहा तो नहीं दिखता है। और ये जो स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं, गड्ढे आते हैं सड़क पे, थोड़ी तकलीफ। साइड से कौन निकला मालूम पड़ जाता है? साइड से दिखता है। पढ़ने में दिक्कत नहीं आती कुछ? नहीं, अंधेरा रहा तो ही दिक्कत आती। दिन में समझो अभी ये रूम है, यहाँ पे समझो आपने लाइट बंद कर दी तो दिखता नहीं है। लाइट नहीं रही तो, लाइट रहती परफेक्टली दिखता है। बोर्ड पे दिखे वो अक्षर तो दिख जाते हैं आपको? हाँ, दिख जाते हैं। आपको किसने बताया सबसे पिगमेंट ओसा है? वर्धा में गए थे हम, एक अमरावती में पहले दिखाए थे वहाँ पे बताए थे, और वर्धा में भी गए थे, फिर LV प्रसाद जो ये हैदराबाद में, वहाँ पर भी गए थे। क्या कहा सभी जगह? नहीं, इसका इलाज नहीं है। और आपने कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथी कोई दवाई है? नहीं, आयुर्वेदिक होम्योपैथी कुछ ट्राई नहीं किया। कोई ट्राई नहीं किया? नहीं, सभी जगह मना हो गया जहाँ भी आप गए। हाँ, आप पूछा कहीं विदेश में इलाज है क्या? नहीं, फॉरेन में तो नहीं पूछा, लेकिन जो LV प्रसाद में जो सर थे उनसे पूछा था, वो कह इनका इलाज नहीं है बोले। आप चलिए देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। कमरा है सामने, UEHP FA DOY DOY DUY, थोड़ा लास्ट दूसरी आँख से देख, TDBLUEHP OOT UA FA OOT। आपकी स्थिति ये है कि आपको दोनों आँखों से पांचवी लाइन आती है, लेफ्ट आँख से 2 अक्षर दिखते हैं और राइट आँख से 4 अक्षर सही दिखाई पड़ते हैं पांचवी लाइन के। ओके, N6 ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, इट इज सेड व्हाट इज द ब्यूटीफुल टू मी मे नॉट बी द ब्यूटीफुल टू यू। एंड वॉट की नज़र बिल्कुल नॉर्मल होने से आपको कोई दिक्कत है? नहीं आता, लेकिन अंधेरा रहा तो दिखता नहीं है। नहीं, ऐसे लाइट में तो परफेक्टली दिखता है, लाइट रहा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज सेड व्हाट इज ब्यूटीफुल टू मी मे नॉट बी ब्यूटीफुल टू यू एंड व्हाट इज। ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? 12, वेरी गुड, 0 जैसा लग रहा है जी। परिस्थितियाँ बिगड़ रही है दिन पर दिन, क्योंकि आपको रंग दिखना बंद हो गए हैं, आप रंग नहीं पहचान पा रहे हैं एक भी। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी भी हो गई है, जो कि विश्व में असाध्य कही जाती है। जो हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्क आए और आप रंग पहचानना शुरू करें। इसका मतलब होता है कि आपको आँख के आसपास सेंटर पॉइंट से कितना दूर तक दिख रहा है, है ना, कितने सर्कल में दिख रहा है। ये नॉर्मल इंसान का करीब 20 इंचेस होता है, ये आपका घट के मात्र 4.5 इंच बचा है, है ना। अपर साइड 4.8, लेफ्ट साइड और लोअर साइड 5, और राइट साइड में 4.5 इंचेस आपका बचा हुआ है। इसके आगे जो भी रोशनी बढ़ेगी या पेरिफेरल विजन बढ़ेगा, आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से बढ़ा? हाँ जी, ठीक, हम प्रयास करेंगे इसमें भी आपको फ़ायदा है। पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आई का, और आप देख रहे हैं कि इसका भी पेरिफेरल विजन काफ़ी कम हो गया है, राइट आंख से भी थोड़ा। ये जो पेरिफेरल विजन कम होने से आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है? तो कभी मैं सीढ़ी चढ़ने उतरने में? दिन में तो कुछ नहीं, रात में थोड़ी थोड़ी होती है तकलीफ। रात में तकलीफ होती है या शाम को तकलीफ होती होगी, है ना? शाम में तो है। और गाड़ी ड्राइविंग करने में आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास से क्या गया? कभी लगा करो गड्ढे वगैरह देखने में, उसमें थोड़ा नहीं दिख जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है तकलीफ होता है। तकलीफ है फिर भी पेरिफेरल विजन आपका 25% से भी कम बचा हुआ है, है ना। प्रयास रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही वो खत्म हो और आप नॉर्मल जिंदगी। इसे पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन
अंधकारमय हो जाए। विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। पटल विजन चार्ट है, आप देख रहे हैं पहले से इसमें डबल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। निजी ज़िंदगी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलने फिरने में कॉन्फिडेंस आया आपको? चलने फिरने में तो सिर्फ समझो धूप में से अंदर आए अंधेरे कमरे में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, आईज एडजस्ट हो रही है। नहीं, और दूसरा आप ये जो सड़क पे चलते हैं नई जगह पे भीड़ भाड़ में, इसमें ऐसा नहीं लगता मैं टकरा जाऊँगा? नहीं नहीं, ये पहले आपकी स्थिति थी कि आपको बहुत संभल के चलना पड़ता था। क्या रात में बहुत संभल के चलना पड़ता था रात में और अंधेरे में? अब क्या हो रहा है? थोड़ा अलग लग रहा है। थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उसमें भी अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, तो जैसे जैसे आपका पेरिफेरल विजन बढ़ेगा आपको ये सारी परेशानियाँ गाड़ी चलाने से लेकर सीढ़ी चढ़ना उतरना भीड़ में पैदल चलना ये सारी चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सारी बधाई हो। एक चीज़ और हुई है आपके साथ। हाँ। क्या हुआ है? कलर ब्लाइंडनेस का इम्प्रूव हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस में इम्प्रूवमेंट आया है और आप कलर देखना शुरू किए हैं। पहले आप मात्र एक प्लेट देखते थे टेस्ट प्लेट, आज आपने 10 प्लेटें पड़ी। तो बहुत सारी बधाई हो आपको। अब आप कह सकते हैं दुनिया से कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कलर ब्लाइंडनेस का इलाज हो रहा है? हाँ जी, कह सकते हैं। क्या और कहेंगे आप? इसका इलाज हो रहा है। तो किसका? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कलर ब्लाइंडनेस का। कहाँ पर हो रहा है? डॉक्टर ऋषभ जैन के पास। कहाँ पर हैं? उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका इलाज हो रहा है, 100% हो रहा है, सभी को फ़ायदा आ रहा है। हाँ जी, ठीक। तो आपको आपके परिवार को बहुत सारी बधाई हो। देखते हैं अगले कोर्स के बाद आपका 100% होता है या नहीं। हाँ जी। अपने जैसे लोगों को जिनको ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, हाँ, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप ज़रूर यहाँ आके देखिए और आपको इलाज यहाँ हो जाएगा आपका। मुझे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप भी यहाँ आके इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है और हाँ, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, हाँ जी, वो परेशानियाँ यहाँ सुलझ सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, है ना? हाँ जी। तो जिस तरह आपकी रोशनी बड़ी, दुनिया के किसी भी व्यक्ति की रोशनी बड़ी तो अच्छा ही होगा, बढ़ सकती है। हाँ। बढ़ रही है। आपके सामने एक और सज्जन गए हैं आपके साथी आसाम वाले। हाँ जी, है ना? उनको भी पूरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक, बहुत सारी बधाई हो आपको। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।